मधुरापुर में जब थाना घटना घटती है तो सहारघाट थाना आप डीएसपी पहले पहुंच जाते हैं, और सहारघाट में जब घटना घटती है तो मधुरापुर आप बड़ी बड़ी डीएसपी पहले पहुंच जाती है। क्या खेला है आज सहारघाट थाना के मुखियापट्टी गांव में डाके जनी की घटना के प्रेरित नागेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, उर्फ नारद जी और अशोक ठाकुर जी, शत्रुघ्न झा, तीनों घर में डाके जानी पड़ी। थाना से 1 किलोमीटर के निकट यह घर है, घटना स्थल है। पीड़ित परिवार या आमजनों ने बताया है मुझे, जैसे मधुरापुर के थाना से पहले डीएसपी बेनीपट्टी मधुरापुर की डकैती हुई थी, उसमें भी पुलिस उपाधीक्षक बेनीपट्टी पहुंच गए थे। यहाँ भी पुलिस उपाधीक्षक की तत्परता वह संवेदनशील है, लेकिन थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचे। लगता है जो मधुरापुर में जब थाना घटना घटती है तो सहारघाट थाना आप डीएसपी पहले पहुँच जाते हैं, और सहारघाट में जब घटना घटती है तो मधुरापुर आप बड़ी बड़ी डीएसपी पहले पहुँच जाती है। क्या खेला है ये खेला में कि साजिश की बू आती है। और पीड़ित परिवार जिस प्रकार से दहशत में, उनकी पत्नी, पीड़िता के सभी बच्चे जिस प्रकार से भयभीत हैं, अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर इन परिवारों को धन तो चला ही गया है, लेकिन जान बचाने की दिशा में भी अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। जब मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय की जानकारी हुई, स्थानीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जिला के पूर्व महामंत्री, पूर्व पार्षद अजय भगत जी, मनीष जी जिला पार्षद जी, बलराम जी सरपंच जी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता ने मुझे इस विषय की जानकारी दी, और जिला भाजपा के अध्यक्ष ने भी मुझे फोन करके बताया, तो मैंने सदन में इस मामले को रखा, जीरो आवर में, तात्कालिक मामला में जीरो आवर में रखकर मैंने सरकार के ध्यान को आकर्षित किया था। और जिस दिन ये घटना घटी थी तो मैं 22 तारीख को ही, 21 तारीख को ये घटना घटी थी, और 20 को, और 21 तारीख को मैंने सूचना पर खड़ा होकर के सरकार को ध्यान दिलाया था, जो सरकार के रिकॉर्ड में है, सदन पटल के रिकॉर्ड में है। लेकिन मुझे एक भरोसा दिखता है, जो मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सक्रिय और संवेदनशील हैं, पुलिस उपाधीक्षक भी सक्रिय और संवेदनशील हैं। उनका बयान मैंने देखा है, जिन्होंने कहा है, पुलिस का ये रिपोर्ट है जो इस घटना में हमने सभी अपराधियों का उद्भेदन कर लिया है, और गिरफ्तारियां में थोड़ा समय लग रहा है, वो पुलिस का मामला है। मुझे उम्मीद है ये दोनों पुलिस पर वरीय पदाधिकारी के संरक्षण में, नियंत्रण में और योजना में गिरफ्तारी हो जाएगी, और गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी में अभी हमारे बीच थानाध्यक्ष भी पहुंचे हैं। मैं कुछ मामले पर किस थानाध्यक्ष से भी संवाद करूंगा, क्योंकि समाज को भी जागरूक रखना होगा। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, अपराधियों ने जिस प्रकार से प्रशासन को और सरकार को चुनौती दी है, और हमारे समाज को चुनौती दी है, मुझे समाज के पुरुषार्थ पर और वर्तमान पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, परेशान वो भी हैं, और निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था हो। यदि सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के साथ, अपने प्रखंड अध्यक्ष जी, हमारे योगीराज जी प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, हम लोग सदन में तो आवाज़ उठाए ही हैं, सड़क पर भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा की गारंटी दे। अब धन तो गया ही, जान माल की क्षति न हो इसकी जवाबदेही गारंटी प्रशासन को लेना होगा। नहीं लेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। सड़क सदन में मामला आया, जरूरत पड़ेगा तो हम ध्यानाकर्षण भी ला सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको धरना प्रदर्शन अनशन के माध्यम से भी इसको मामले को, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार अमन चैन महसूस नहीं होगा तब तक इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय और संवेदनशील रहेगी। आज से 8 माह पहले मधुबापुर में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस पदाधिकारियों ने दावा करती रही कि इसका भी खुलासा होगा, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। वहाँ के थाना अध्यक्ष अपराधी से मिले हुए हैं, ये कहने में मुझे कोई डाके जरी में ही के समय में ही थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी,
इसीलिए उस समय में यदि उस मामला का उद्भेदन मधुबापुर का मामला उद्भेदन नहीं हुआ, उसमें थानेदार ही अपराधी हैं। तो फिर जिला के पुलिस कप्तान तो वही थे? नहीं, पुलिस हैं, पुलिस कप्तान थे, लेकिन एक पुलिस कप्तान के सामने व्यवस्था है तो पहले थाना अध्यक्ष यदि काम अच्छे नहीं करते हैं तो उनको हटाने का प्रक्रिया DIG के माध्यम से सहमति या स्वीकृति लेना पड़ता है। इसीलिए वो थानेदार अक्षम है, अपराधी से उससे उनकी सांठगांठ है और ये निष्क्रिय थाना अध्यक्ष है। और सीमांचल इलाके में वो जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ थाना है, सारघाट भी सीमांचल में सटा हुआ है, लेकिन क्रमिक रूप से पुलिस अधीक्षक पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है, वो सक्रिय है। मुझे भरोसा है अपने पुलिस अधीक्षक पर, पुलिस उपाधीक्षक पर। निश्चित रूप से यहाँ की जनता को जो आशंकाएं हैं, यहाँ की जनता को जो आरोप है, उस पर वो खड़े उतरेंगे। इसमें भारत की सरकार ने SSB को सीमा की सुरक्षा करने के लिए यहाँ तैनात किए और जिस प्रकार से अनुसंधान में लोगों की चर्चा के बाद ये पता चला है कि तीनों SSB के इस थाने के निकट इर्द गिर्द है और उसी इलाके से अपराधी का प्रवेश हुआ है और थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी SSB निष्क्रिय रही, तो मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी मांग करता हूँ जो ऐसे निष्क्रिय SSB के अधिकारी जो कर्मी हैं उनको दंडित किया जाए। वो भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, भारत सरकार की बदनामी हो रही है, आम जनों की जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से इस मामले को लेकर जो मुझे मेरे संज्ञान में आया है, मैं इस मामले को लेकर के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी को, आदरणीय अमित शाह जी को मैं लिखित रूप से भी इस मामले से अवगत कराऊंगा और यहाँ की बस तीसरी बताऊंगा जो मधुबनी जिला के सीमा से सटे सभी 100 किलोमीटर में हमारा सीमा है, 100 किलोमीटर में लगे SSB के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों जो हमारे जवान हैं उनको सक्रिय और संवेदनशील बनाने का दिशा निर्देश दें। मुझे उम्मीद है कि सूचना मिलते ही उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।